नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम यहाँ पे मुमरा रेलवे स्टेशन के पास है, जहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पे थोड़ा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे जो हॉकर्स है, जो रोड पर हॉकर जो इलीगल तरीके से यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की गई यहाँ मुमरा कौसा में, मुमरा दरगाह पे हमने कार्रवाई की है। जो इलीगल हॉकर से बीच में आ रही टपरिया शोरमा मशीन है, वो हमने एकदम जेसीबी से तोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, 150 मीटर के अंदर किसी फेरी वाले को बैठने को मनाही है। जो स्टॉल लगाए जाते हैं और दुकान वाले का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इस बारे में आपने दुकान वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? दुकान वालों को, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप भी मेरे साथ थे, मैंने उनको कार्रवाई के दौरान ये सलाह दी है कि आपको वार्निंग दी है मैंने उनको कि जो आपके फुटपाथ है, वो फुटपाथ ये सब उनका सामान रखते हैं, जो दुकान अंदर रहती है वो उनका सामान बाहर रहता है आधे से ज़्यादा, तो उनको मैंने वार्निंग दी है वो अंदर लीजिए, नहीं तो आपको कायदेशीर कार्रवाई करेंगे हम। हमारे साथ में यहाँ के अमित गडकरी जो यहाँ पे अतिक्रमण विभाग के थे, उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 15 मीटर के आसपास में कोई भी हॉकर्स या कोई भी इल गैर कानूनी तरीके से जो स्टॉल लगाता है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और बार बार ये हफ्ते में 2 से 3 बार यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हॉकर्स रोड पर ही अपना धंधा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक का सामना लोगों को पड़ना पड़ा है और कभी जनता इससे परेशान हो गई इस ट्रैफिक से। अभी यहाँ के जो अतिक्रमण विभाग के जो अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि दारुलफला मस्जिद किस्मत कॉलोनी से लेकर मुमरा स्टेशन तक यहाँ पे जगह जगह पे कार्रवाई की गई है। जो पान बीड़ी की जो शॉप थी उसको यहाँ पे तोड़ा गया है, जो ठेला गाड़ी थी उनको भी यहाँ पे तोड़ा गया है। अमृत नगर दरगाह रोड के अंदर भी जो मार्केट है, बाज़ार था, वहाँ पर भी जो बाहर जो गाड़ियाँ लगाए, जो स्टॉल लगाए थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। अब देखना है कि बार बार कार्रवाई के बाद भी वहाँ पे दोबारा से जो भी हॉकर से दोबारा से अपना धंधा लगा देते, अब इसमें कितना थाने महानगर पालिका इस मुमरा को हॉकर्स मुक्त करता है। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।